नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिरपरिचित दोस्त उपस्थित हूं आप सभी के लिए एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जी हां, न्यूट्रिशन से जुड़े कई मिथ पर भारतीय यानी कि हम भारतीय भरोसा करते हैं। इन्हीं मिथ को तोड़ने के लिए आज हम एक जानकारी लेकर के आए हैं जिसके थ्रू आप ये जान सकते हैं कि किस चीज़ को खाना फ़ायदेमंद होता है और किस चीज़ को नहीं। यह बात जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि फिटनेस इंडस्ट्री में एक्सरसाइज से जुड़ी सही जानकारी जितनी है उससे कहीं ज़्यादा स्वास्थ्य से संबंधित मिथ मौजूद हैं। खासकर बात न्यूट्रिशन से संबंधित हो तो इसका कोई अंत ही नहीं है। असल में तमाम न्यूट्रिशन गुरुओं ने अपने अनुभव से कुछ ऐसे मिथ फिटनेस इंडस्ट्री में फैलाए हैं जो किसी के भी स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर डाल सकते हैं। इसीलिए हम आपको कुछ ऐसे मिथ और उनसे जुड़े तथ्य के बारे में बता रहे हैं ताकि आप हमेशा फिट एंड फाइन रह सकें। सबसे पहले तो हाई प्रोटीन डाइट के बारे में। कुछ एक स्वास्थ्य गुरुओं का मानना है कि हाई प्रोटीन डाइट हमारी हड्डियों और किडनी को नुकसान पहुंचाती है। इतना ही नहीं, इससे हड्डियां काफ़ी कमज़ोर भी हो जाती हैं, जबकि यह महज एक मिथ है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि यह जजमेंट उच्च प्रोटीन आहार के अल्पावधि प्रभाव पर आधारित है, लेकिन दीर्घकालिक प्रभाव वास्तव में इसके विपरीत होते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कनेक्टिकट के डिपार्टमेंट ऑफ एलाइड हेल्थ साइंसेज में छपे एक अध्ययन के मुताबिक कैल्शियम की अवधारणा और हड्डियों के चयापचय में सुधार के लिए आहार प्रोटीन कैल्शियम के साथ सहक्रियात्मक तरीके से काम करता है। जहां तक बात हाई प्रोटीन डाइट का किडनी को नुकसान पहुंचाने की है कि अध्ययन इस बात की भी पुष्टि करता है कि किडनी डैमेज और हाई प्रोटीन डाइट का आपस में कोई संबंध नहीं है, बल्कि हकीकत यह है कि हाई प्रोटीन डाइट किडनी फेल होने से रोकता है, साथ ही डायबिटीज़ के मरीजों के लिए भी यह लाभदायक होता है। इसीलिए ये मिथ है हमारे यहाँ कि हाई प्रोटीन डाइट लेना नुकसानदायक होता है। स्वास्थ्य के लिए अच्छा है लो फैट फूड। जी हाँ, हम अक्सर अपने शरीर का मोटापा कम करने के सबसे पहले वसायुक्त आहार खाना कम करते हैं ताकि अपने स्वास्थ्य को बेहतर रख सकें। इसी क्रम में कुछ लोग लो फैट फूड खाते हैं क्योंकि मान्यता यह है कि लो फैट फूड से मोटापा नहीं बढ़ता है और यह हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, जबकि यह भी एक मिथ है। जैसा कि आजकल तमाम कंपनी इस बात का दावा करती हैं कि उनके खाद्य पदार्थ में लो फैट है या फिर जीरो फैट है, हकीकत यह है कि ऐसी कंपनियां प्राकृतिक फैट को हटा देती हैं जिससे कि वो खाद्य पदार्थ स्वादहीन हो जाता है। अतः कंपनियां इसके बजाय कृत्रिम मीठे का इस्तेमाल करती हैं ताकि खाद्य पदार्थ में कुछ मीठापन मिले। लेकिन आपको बता दें कि कृत्रिम मीठा भी आपके स्वास्थ्य को न सिर्फ नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि यदि इसे लंबे समय तक अपनी जीवन शैली में अपनाया गया हो तो इसके दीर्घकालिक स्वास्थ्य संबंधी नुकसान भी झेलने पड़ सकते हैं। इसीलिए किसी भी चीज़ को आप नेचुरल यानी कि प्रकृति से खिलवाड़ न करें, नेचुरल तरीके से ही कोई भी सब्जी हो या फूड हो उसका इस्तेमाल करें। इसके अलावा एक मिथ है कि लो फैट लो कार्बोहाइड्रेट से बेहतर है। जी हाँ, ऐसा मानते हैं लोग। जैसा कि पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है कि ज़्यादातर लोगों का मानना है कि फैट खाने से मोटापा बढ़ता है, इसीलिए वे अपने खान पान के फैट को कम करने लगते हैं, लेकिन साथ ही उनके खान पान से कैलोरी भी कम होने लगती है। यहाँ तक कि कार्बोहाइड्रेट से भी कैलोरी में कटौती करने लगते हैं, जबकि हमें अपने डाइट में कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है। इसके सेवन से हम स्वस्थ रहते हैं। अध्ययन इस बात की भी पुष्टि करते हैं कि हाई फैट और लो कार्बोहाइड्रेट लेने से हम स्वस्थ रहते हैं। साथ ही इसके अलावा हाई फैट डाइट से ब्लड प्रेशर कम होता है, कोलेस्ट्रॉल का स्तर सही रहता है, ब्लड शुगर भी नियंत्रित रहता है इत्यादि। लेकिन हाँ, आपको इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि आप अच्छी यानी कि हेल्दी फैट को अपनी डाइट में शामिल कर रहे हैं, मसलन नट्स। इसके अलावा
फिश ऑयल इत्यादि, यानी कि आपको स्वास्थ्य से जुड़ी हुई सही चीज़ों को ही खान पान में तरजीह देनी चाहिए। इसीलिए अगर आप सही खान पान को अपनाते हैं तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जानना ज़रूरी है कि क्या खाएंगे तो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा, किन चीज़ों का हम सेवन करेंगे तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। इसीलिए हमारा प्रयास होता है अपने चैनल के माध्यम से दोस्तों कि आप सभी को जितनी भी खाने की चीज़ें हैं, खास करके हमारी दैनिक खाने की चीज़ें, उनसे संबंधित जानकारियां आपको दें, ताकि जैसे अभी हमने बताया, पिछले एपिसोड में आप सभी को बताया था, आपने सुना होगा, किस फूड के साथ मिक्स करके ना खाइए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे बताया था हमने उसमें कि आप अगर मान लीजिए प्रोटीन के साथ प्रोटीन लेते हैं तो डाइजेस्ट करने में आपकी बॉडी को बहुत सारी एनर्जी लगेगी, जिस एनर्जी की वजह से आपको डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा वो खाना सही से, तो फिर पेट में गैस बनेगा, फिर गैस होने के बाद कब्ज बनेगी, तो ये सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। इसीलिए हमारे जीवन में खान पान का बहुत महत्व है, और स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन है नहीं। आपके पास कितने भी पैसे हों या ना हों, खाना पीना सही नहीं है, स्वास्थ्य सही नहीं है तो पैसा बेकार हो जाता है। जब हम अपनी मनपसंद चीज़ों का इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, खा ही नहीं सकते, तो फिर रहने का क्या फ़ायदा हुआ। इसीलिए स्वास्थ्य हमारा सबसे पहला धन है, और उसकी रक्षा करना, सही फूड कॉम्बिनेशन को अपनाना अपनी लाइफ में बेहद ज़रूरी होता है दोस्तों। तो ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए। अगले एपिसोड में हम आप सभी से जुड़ेंगे एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।